टेक्निकल डेनिस वी चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल डेनिस विली चैनल में। मैं हूं डेनिस विली और आज आपको बताने जा रहा हूं व्हाट्सएप के नए फीचर के बारे में। थोड़े दिनों पहले दिवाली पे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे नए नए स्टिकर्स आए थे। मोदी जी का था गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली का। उसी तरह से दोस्तों आप अपना खुद का व्हाट्सएप पे स्टिकर्स बना के फ्रेंड्स को भेज सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो का। तो मैं दोस्तों आज पर्सनल स्टिकर्स कैसे बनाते हैं व्हाट्सएप पे उसके बारे में आज आपको बात करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप पे पर्सनल स्टिकर्स कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आइए, चलिए स्टेप वन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा व्हाट्सएप जो है बीटा वर्जन अपडेटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले कर लीजिए, वरना स्टिकर्स बनेंगे नहीं। हाँ, हमारा व्हाट्सएप जो है अपडेटेड ही है। तो आइए चलते हैं स्टेप टू की तरफ और जाते हैं हम लोग गूगल प्ले स्टोर में, और गूगल प्ले स्टोर में जाके लिखते हैं बैकग्राउंड इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर का ऐप जो तीसरा वाला है वो मिलेगा। हाँ, वो ये वाला जो है उसको डाउनलोड कर दीजिए। और डाउनलोड होने के बाद व्हाट्सएप पर्सनल स्टिकर का जो ऐप है उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप। ध्यान से देख लीजिए, यही वाला ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आइए चलते हैं स्टेप थ्री की तरफ, और स्टेप थ्री की तरफ बढ़ते हुए हम लोग फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में जाके कंफर्म करेंगे हमारे पिक्चर्स जो है वो इंटरनल स्टोरेज में है या नहीं, इंटर स्टोरेज में गैलरी में है या नहीं, वो कंफर्म कर लेते पहले। स्टेप फोर में जाते ही हमें बैकग्राउंड इरेजर का ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद अंदर कोई भी एक तस्वीर जो है उन्हें ओपन करनी है और क्रॉप करनी है, और क्रॉप करने के बाद उसका जो बैकग्राउंड है हमें मिटाना है। स्लोली स्लोली आप अपना कोई भी तस्वीर का बैकग्राउंड मिटा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे इरेजर का जो है ऑप्शन से ऑटो है, मैजिक है, रिपेयर है और जूम भी है। तो आप देख सकते हैं आपकी तस्वीर किस तरह से आपकी तस्वीर का बैकग्राउंड निकल रहा है। ठीक से बैकग्राउंड मिटाने के बाद उसकी बॉर्डर्स ऑफ कर लीजिएगा। सॉफ्ट में जो ऑप्शन है 1 2 3 4, आप अपने तरीके से आपके मुताबिक आपको जैसा पसंद आए आपकी बॉर्डर जो है सॉफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। और लेते हैं मेरी दूसरी जो मेरी तस्वीर है उसे हमने ओपन कर लिए, और जो उसका बैकग्राउंड है जो कोई भी एक ही रंग का है तो उसको कैसे मिटाते हैं, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। के प्लेन बैकग्राउंड रहेगा अगर वाइट या ब्लैक, तो आप ऑटो मैजिक से भी आप उसको मतलब तुरंत ही मिटा सकते हैं इस तरह से, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। स्टेप फाइव में हमें कंफर्म करना है कि हमारे पिक्चर्स जो है
फोटो गैलरी में इरेजर के फोल्डर में है, जिसके बैकग्राउंड हमने कट किए हैं। उसके बाद हमें व्हाट्सएप फॉर स्टिकर्स का ऐप ओपन करना है। मिनिमम 3 पिक्चर्स का स्टिकर्स जो है हमें यहाँ पे ऐड करने देता है ये व्हाट्सएप का जो ऐप है स्टिकर का, मिनिमम 3 स्टिकर्स। देखिए ऐड हो गया, अभी हम जाते हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाके हम देखते हैं कि स्टिकर्स में के ऑप्शन है, वहाँ पे जाके देखते हैं। देखिए आ गए सब स्टिकर्स, चारों चार स्टिकर्स जो हमने अभी बनाए हैं वो चारों चार स्टिकर्स यहाँ पे आ गए। तो दोस्तों आपने देखा कि व्हाट्सएप पे पर्सनल स्टिकर कैसे बनाए जाते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा है पूरा किसी तरह से बनाते हैं। और मेरे ब्लॉग पे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए आपके कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे पूछिए, मैं आपको मेल्स के थ्रू बताऊंगा। नीचे कमेंट्स में लिखिए, आप देखते रहे मेरा चैनल। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट्स लिखना भी मत भूलिए। और देखते रहे मेरा वीडियो, मैं कुछ आपके लिए हमेशा नया लाता रहूंगा। टिल दैट सी यू, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू, बाय बाय।